This is Arman Khan. You are watching my YouTube channel AK Triangle Entertainment. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लिखा भी था कि मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ जो चार लड़कियों की कहानी है, चार अलग अलग शहर अलग अलग गांव से मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए आती हैं, अपनी ड्रीम को सच करने के लिए आती हैं। उनके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं मुंबई से पहले। अब चारों लड़कियाँ, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, चारों अलग अलग धर्मों की। अब उनकी ज़िंदगी में किस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो समाज को, अपने घर वालों को कैसे कन्वेंस करती हैं उनको अपना सपना भी पूरा करना है, उनको अपने पर विश्वास है कि दे कैन डू, इसलिए वे दिल्ली से मुंबई आती हैं। अब यहाँ पर आकर उनकी ज़िंदगी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है वो हमें देखना है। अब चारों की जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक गुस्से वाली है, एक शांत है, एक बहुत हिसाब से चलती है, एक को सपना सच करना है, एक को घर वापस पहुंचना भी है। तो चारों की ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जहाँ चारों एक दूसरे से प्यार नहीं करती थी, वो चारों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाती हैं। ये कहानी मुझे दिखानी है, और इस कहानी के लिए जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मोस्टली गर्ल्स, मैं गर्ल्स से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो मेरे इंस्टाग्राम, मेरी आईडी ये है, इस पर मेरे को फॉलो कीजिए और अपने सुझाव दीजिए। ये महिला प्रधान मूवी है, मुझे दिखाना है एम्पावर ऑफ द गर्ल्स, मुझे गर्ल्स की ताकत को दिखाना है इस मूवी के जरिए कि गर्ल्स क्या नहीं कर सकती, दे ऑल कैन डू एवरीथिंग। आपको मुझे बताइए कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह की परेशानियाँ आती हैं। अब जिस तरह से भी आप अपने बारे में बता सकती हैं, अपनी बारे में बता सकती हैं कि आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह की परेशानी आ चुकी है, या आपको लगता है कि इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, या आप कभी मुंबई आए हैं, या आपको लग रहा हो, लेकिन ये किसी मूवी से रिलेटेड ना हो, किसी मूवी का कोई सीन ना हो, ये एक माइंड, प्रेजेंट माइंड की कहानी हो, आपकी क्रिएट करी हुई कहानी हो, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताइएगा और मैं अपनी आईडी बता ही चुका हूँ। देन दूसरी चीज़, इससे ये फायदा हुआ कि जो पेरेंट्स, जो जिनकी निगेटिव थिंकिंग होती है ना, वो अपने लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, एजुकेशन फील्ड हो या फिल्म करियर बनाना हो, नहीं बनाने देते वो लोग। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं करना है, इनको शादी ब्याह करना है, घर जाना है, लेकिन नहीं, एजुकेशन करियर कब साथ दे कुछ नहीं पता। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपने बारे में। इस फिल्म के जरिए मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती, चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं, यही उसको दिखाना है। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। आप किसी भी रिलीजन से हो, मेरे को कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बॉयज़ हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, कोई भी हैं, अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं ना। अगर भाई है तो अपनी बहन से प्यार करता है, पापा है तो अपनी बेटी से प्यार करता है, अगर मम्मी है तो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, या व्हाटएवर जो भी आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, आप अपनी थिंकिंग, अपनी सोच मेरे इंस्टाग्राम पर बताइए, मैं उसको अपनी सीन में डालता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं दुनिया को दिखाऊँगा कि गर्ल्स क्या नहीं कर सकती। जो पेरेंट्स, जो लोग लड़कियों को कम समझते हैं, कम आंकते हैं, तुलना करते हैं भाइयों से, लड़कों से, और कंपैरिजन को नीचे डाउन लेके जाते हैं, दे ऑल आर रॉन्ग, वे गलत हैं, मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ उनको। और वैसे भी हम सबकी जो मम्मी है वो लड़कियाँ ही थी, तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए, वो बल्कि लड़कियाँ ही हैं। तो वी कैन डू एवरीथिंग एंड दे ऑल कैन डू एवरीथिंग, ये हमें समझना चाहिए। जैसे हम जो लड़के कर सकते हैं, वो लड़कियां भी वही कर सकती हैं, बस उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उन पर ट्रस्ट करिए, वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगी, आपका ध्यान रखेंगी। तो प्लीज आप मेरे को फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर, आईडी पर, और मेरे को सीन के बारे में बताइए, मेरे को सजेशन दीजिए कि मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं इस एम्पावर को, इस गर्ल्स पावर को दिखाना चाहता हूँ, मैं उन बुराई को मिटाना चाहता हूँ जो उनसे रिलेटेड है। मुंबई में आके किस तरह से डिफ़िकल्टीज आती है, किन किन प्रॉब्लम्स को सोल्व करती हैं, कहानी चेंज कर देती हैं वो मुंबई में आके सबकी, जो लोग निगेटिव थे, गंदे थे, उनको तोड़ मोड़ देती हैं, वो बहुत खतरनाक लड़कियाँ बन जाती हैं। आती तो वो सीधी हैं,
लेकिन मुंबई में रह के वो डेंजरस बन जाती है क्योंकि उनको यहाँ के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन एक बार आ गई तो सबको सुधार की जाती है वो सब। मुझे बताइए मेरे को क्या क्या सीन्स को क्रिएटेड करने चाहिए। अगर आप भाई हैं, दोस्त हैं, पिताजी हैं, तो आप भी लिखिएगा। ऐसे नहीं कि मैं गर्ल्स से डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो गर्ल्स नहीं, ये आप भी लिखिएगा, क्योंकि आप भी अपने सिस्टर, अपनी बेटी से, अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। तो फॉलो कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। मेरे सर मेरे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।